Bismillahirrahmanirrahim. This is Dr. Naeem Mehboob Malik. Today is our topic, Devolution of Power Plant 2001. Devolution of Power Plant, जिसे हम DOPP कहते हैं, ये मुशर्रफ ने पेश किया था. और डिसेंट्रलाइजेशन की तरफ एक बहुत ही अहम कदम था कि पावर को किस तरह से लोकल गवर्नमेंट की तरफ ट्रांसफ़र करना है. ये सिर्फ एक प्रोसेस ऑफ डिसेंट्रलाइजेशन नहीं था, बल्कि इसके ज़रिए से एक पूरा पैकेज दिया गया रिफॉर्म्स का. मसलन उसमें इंतखाबी इस्लाहात शामिल थी और लोकल गवर्नमेंट का जो बुनियादी ढांचा है और उसमें जो तरीक़ाकार है, उस दोनों के मुतल्लिक भी इस्लाहात शामिल थी. इसी तरह से दो बहुत ही अहम जो इदारे हैं हमारे, पुलिस और ब्यूरोक्रेसी, उनमें भी इस्लाहात का एक वसी प्रोग्राम दिया गया. मकसद क्या था इस डेवोल्यूशन प्लान का, कि टू मॉडर्नाइज द सोसाइटी फॉर सोशल चेंज. सोशल चेंज के लिए ये इसका मकसद था. यानी इसका सिर्फ मकसद डिसेंट्रलाइजेशन नहीं था, बल्कि समाजी तब्दीलियां भी था, और जो एक ज़्यादा वसी स्कोप है. अगर हम आते हैं थोड़ा बैकग्राउंड की तरफ, तो ये जो लिखा हुआ मिलिट्री रूल एंड पॉलिटिकल रूल, पाकिस्तान में के जो 73 इयर्स हैं उसमें मिलिट्री और सियासतदान दोनों ने हुकूमत की है. और 1956 में आइन बना, 1962 में आइन बना, 1973 में आइन बना. और मिलिट्री ने ख़ास तौर पे पाकिस्तान का जो वजूद है अब तक का 47 से, उसमें आधा अरसा तो मिलिट्री ने हुकूमत की है. तो ये जो शिफ्ट आता था सिविलियन गवर्नमेंट से मिलिट्री गवर्नमेंट की तरफ, मिलिट्री गवर्नमेंट से सिविलियन गवर्नमेंट की तरफ, तो इस पॉलिटिकल शिफ्ट का कुछ इम्पैक्ट बना, उसका कुछ नतीजा निकला. वो पहला ये था, यानी हम डिसेंट्रलाइजेशन के हवाले से बात कर रहे हैं, उसको ग्रास रूट डेमोक्रेसी भी कहते हैं. देखो ना, इम्प्लीकेशन फॉर द डेवलपमेंट ऑफ ग्रास रूट डेमोक्रेसी. इसने जो शिफ्ट आया पॉलिटिकल और मिलिट्री रूल में, इसने लोकल गवर्नमेंट के सिस्टम के और स्ट्रक्चर को काफ़ी चेंज किया. कभी लोकल गवर्नमेंट का निज़ाम जो था वो मज़बूत हो जाता था, और कभी गवर्नमेंट लोकल गवर्नमेंट का निज़ाम कमज़ोर हो जाता था. और बहरहाल डिसेंट्रलाइजेशन ज़्यादातर मिलिट्री दौरे हुकूमत में हुई, और मिलिट्री ने ही लोकल गवर्नमेंट को इंट्रोड्यूस करवाया ज़्यादा. और जब सियासतदान हुकूमत में आते थे, सिविलियन लोग, तो उन्होंने इन लोकल गवर्नमेंट के इदारों को इलेक्टेड लोगों की बजाय नॉन इलेक्टेड लोगों के ज़रिए से चलाया, या गवर्नमेंट के जो सिविल सर्वेंट्स होते हैं उनके ज़रिए से चलाया. इस तरह से हम कह सकते हैं कि हमारे मुल्क ने दो किस्म की ग्रास रूट डेमोक्रेसी को एक्सपीरियंस किया. डिक्टेटोरियल डेमोक्रेसी, यानी डिक्टेटर्स ने जो दी, डिक्टेटर से मुराद मिलिट्री डिक्टेटर्स, और डेमोक्रेटिक डिक्टेटरशिप. और इसी तरह से जो जमहूरियतवार हैं उन्होंने भी जो है वो एक डिक्टेटरशिप दी जमहूरियतवार में, कि लोकल गवर्नमेंट के इदारों को जमहूरियतवार में मजबूत नहीं किया गया, उनको उनके पांव पे खड़ा नहीं किया गया. नेक्स्ट है हमारा, अगर हम थोड़ा मवाजना कर लें थोड़ा सा कि मिलिट्री गवर्नमेंट और सिविल गवर्नमेंट में क्या रहा, तो पहली जो आपके सामने हेडिंग है, शेडो सेट ऑफ इंस्टीट्यूशन, तो कुछ जो फॉर्मल स्टेट स्ट्रक्चर होता है सोसाइटी का भी, उनके पैरेलल कुछ इंस्टीट्यूशन होते हैं जिनका
होल्ड होता है पावर पे, पावर की एक्सरसाइज पे, डिसीजन मेकिंग में, पॉलिसी फ्रेमिंग में। तो ये शेडो होते हैं, नज़र नहीं आते बज़ाहिर सामने। तो डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट्स होती हैं या मिलिट्री गवर्नमेंट्स होती हैं, लेकिन उनकी बैक पे कोई ना कोई पावरफुल इंस्टीट्यूशन होता है, इसे डीप स्टेट भी कहते हैं। अमेरिका में जैसे मिलिट्री इंडस्ट्रियल कम्प्लेक्स जो है वो रियल पावर एक्सरसाइज करता रहा है और कर भी रहा है अब भी, तो पाकिस्तान में पाकिस्तान मिलिट्री जो है वो एक बहुत ही मजबूत इंस्टीट्यूशन है, बहुत ही ऑर्गेनाइज्ड, वेल डिसिप्लिन्ड। और इसलिए जब भी मिलिट्री की गवर्नमेंट आई तो मिलिट्री ने अपनी ब्रांड का लोकल गवर्नमेंट सिस्टम मुतारफ किया, नॉन रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट, जिसको हम कहते हैं मिलिट्री गवर्नमेंट को। तो इन्होंने इनमें जो मिलिट्री रिजीम्स होते थे ये ज़्यादा डिसेंट्रलाइज ऑफ पावर के फेवर में होते थे इनकी पॉलिसीज़। और होता यही है कि जो डिसेंट्रलाइजेशन होती है वो ऐसे मुल्कों में जो डेवलपिंग हो वो एक्सटर्नली ड्राइवन भी हो सकती है, इंटरनली मोटिवेटेड भी हो सकती है। एक्सटर्नल फैक्टर्स में स्ट्रक्चर एडजस्टमेंट प्रोग्राम होता है, IMF का, वर्ल्ड बैंक का, डोनर होते हैं, उनका प्रेशर होता है और डिसेंट्रलाइजेशन की जाती है। जब इंटरनली गवर्नमेंट चाहती है कि वो कोई भी गवर्नमेंट, ख़ास तौर पे मिलिट्री रिजीम, के उनकी पावर पर गिरफ्त मजबूत हो, तो पाकिस्तान में ज़्यादातर जो रिफॉर्म्स हैं वो इंटरनली ड्राइवन हैं। यानी जो भी गवर्नमेंट आती है वो कोशिश करती है कि वो, अगर उसको फ़ायदा होता है तो वो लोकल गवर्नमेंट को स्ट्रेंथन करती है, और अगर उसको फ़ायदा नहीं होता तो लोकल गवर्नमेंट को वो स्ट्रेंथन नहीं करते। पाकिस्तान में जो मिलिट्री है वो एक डिसिप्लिन इंस्टीट्यूशन है। बात समझने की ये है कि जो इंस्टीट्यूशन होता है कोई भी, उसका एक इंटरेस्ट होता है और उसका एक रोल होता है। इसे हम कहते हैं इंस्टीट्यूशनल इंटरेस्ट एंड इंस्टीट्यूशनल रोल, कि उसका इंटरेस्ट, जेन्युइन इंटरेस्ट क्या है और वो रोल क्या प्ले करता है। तो पाकिस्तान मिलिट्री के भी इंटरेस्ट हैं, जैसा कि थ्रेट परसेप्शन है, इंडियन थ्रेट परसेप्शन, उसके हवाले से ये इंस्टीट्यूशन अपनी अहमियत ज़्यादा इख्तियार कर गया है, और वो उसका रोल भी डिफरेंट हो जाता है, पॉलिटिकल भी हो जाता है, स्विच कर जाता है वो। इट डिपेंड्स ऑन द कॉन्टेक्स्ट, कैसे हालात कैसे हैं, तो उस पर, उसके मुताबिक पाकिस्तान मिलिट्री का रोल तय होता है। बहरहाल मिलिट्री ने बहुत कोशिश की कि ग्रास रूट जो पॉपुलैरिटी है उसको गेन करें और लोगों में अपनी एक्सेप्टेंस बनाए पॉलिटिशियन के पैरेलल, तो इसलिए उन्होंने ग्रास रूट डेमोक्रेसी को हमेशा प्रमोट किया। ग्रास रूट डेमोक्रेसी से एक तो मिलिट्री रिजीम मुल्क के अंदर अपनी एक्सेप्टेंस बना लेता है, और दूसरा जो एक्सटर्नल इमेज है वो भी लोकल गवर्नमेंट की वजह से उनका बेहतर होता है। तो साउथ एशिया में एक ट्रेंड है कि अथॉरिटेरियन रिजीम्स के दौरान लोकल गवर्नमेंट का इदारा ज़्यादा मजबूत हुआ, और जबकि डेमोक्रेटिक रिजीम के लिए लोकल गवर्नमेंट कम अट्रैक्टिव होता है, वो उसकी तरफ तवज्जो कम देते हैं। और ये जो है, इसकी वजह ये है कि प्रोविंस और सेंटर में जो जमात मजबूत होती है वो नहीं चाहती कि सेंट्रल और प्रोविंशियल प्लेटफॉर्म के पैरेलल एक उसका मुकाबले में लोकल गवर्नमेंट का निज़ाम आ जाए, तो लिहाजा वो कोशिश करती है डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट के लोकल गवर्नमेंट जो है वो स्ट्रेंथन ना हो। तो आज का जो हम DOP पढ़ रहे हैं, DOPP, डेवोल्यूशन ऑफ पावर प्लान, इसको समझने के लिए हमें थोड़ी हिस्ट्री की तरफ जाना पड़ेगा। हिस्ट्री को बार बार टच करना चाहिए ताकि आप का व्यू जो है वो एक होलिस्टिक व्यू बने, पता चले कि व्हाट इज़ द प्रेजेंस ऑफ द पास्ट इन प्रेजेंट एंड व्हाट विल बी द इम्पैक्ट इन फ्यूचर। तो ब्रिटिश यहाँ आए 1857 के बाद, 1857 में, उससे पहले ईस्ट इंडिया कंपनी में भी ब्रिटिश ही थे। तो ब्रिटिशर्स आए, उन्होंने यहाँ इक्तदार संभाला, उन्होंने भी यहाँ तब्दीलियाँ की। तो उनका जो निज़ाम था बरतानवी गवर्नमेंट का, उससे पहले तो पंचायत का निज़ाम था, और पंचायत ही एडमिनिस्ट्रेटिव और जुडिशियल
रोल प्ले करती थी और डेवलपमेंट के फंक्शंस करती थी। पंचायत जो थी उसमें जो बनाने वाले लोग होते थे पंचायत को, उन्हीं की फैमिलीज के लोग होते थे, अपर ज़ात के लोग होते थे, बड़े फार्मर्स होते थे, इसी तरह से एक विलेज हेडमैन होता था। जबकि ब्रिटिश ईरा में लोकल गवर्नमेंट जो थी, पाकिस्तान ने भी बरतानिया के निज़ाम, लोकल गवर्नमेंट के निज़ाम से ही कोई बात पाकिस्तान को विरासत में मिला, और बरतानिया ने भी लोकल सेल्फ गवर्नमेंट का तसव्वुर इंट्रोड्यूस करवाया पाकिस्तान उस वक्त। और शुरू में तो बरतानवी लोग अपने एडमिनिस्ट्रेटर नामज़द करते थे, फिर ग्रेजुअली उन्होंने इलेक्टेड भी लोगों को मौका देना शुरू कर दिया। उन्होंने अंग्रेज़ों ने बोर्ड्स बनाए, डिस्ट्रिक्ट म्यूनसिपल और डिस्ट्रिक्ट बोर्ड्स, और एक और उन्होंने काम किया कि अर्बन और रूरल डिवाइड किए बंगाल और मद्रास, ख़ास तौर पे बम्बई में, पंजाब में और दूसरी रियासतों में। और इसके लिए उन्होंने अलग से कानून भी बनाए, और बड़े शहरों में उन्होंने अलग कानून बनाए, म्यूनसिपल सिटीज़, टाउन और रूरल एरियाज़ में अलग उसके लिए कानून साजी की। बरतानिया ने पैट्रोनेज के ज़रिए से अपने इकतदार को मजबूत किया, और मजिस्ट्रेटी निज़ाम और डिप्टी कमिश्नर के ज़रिए और लोकल गवर्नमेंट के ऊपर कंट्रोल रखा उन्होंने। और चूँकि वो एक नौबादियाती ताकत थी, वो कब्ज़ा किया हुआ था बरसग़ीर में, तो उनका सिस्टम और स्ट्रक्चर लोकल गवर्नमेंट के हवाले से वैसा ही था कि सेंट्रल गवर्नमेंट मजबूत हो। लेकिन हुआ ये कि ग्रेजुअली जब हिंदुस्तान में सियासी तहरीकें शुरू हुईं और सियासी शऊर बेदार हुआ, तो यहाँ की जो पार्टीज़ थी उन्होंने मरकज़ी और सूबाई सतह की पॉलिटिक्स करने शुरू कर दी, जिससे लोकल गवर्नमेंट का इदारा नज़र अंदाज हुआ, होना शुरू हो गया। और बरतानवी गवर्नमेंट ने भी फिर जो सियासी जमातों की डिमांड के मुताबिक उनको सूबाई सतह पर हकूक देना शुरू कर दिए, तो लोकल गवर्नमेंट वीक होती चली गई। आगे है जी, ये 1947 और 1955 के दौरान में क्या होता रहा, और कुछ इलाकों में तो लोकल गवर्नमेंट का जो पाकिस्तान बना सिस्टम बड़ा डेवलप्ड था, लेकिन ज़्यादातर जो थे वो लोकल गवर्नमेंट का सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर ही चला रहे थे, यानी हुकूमत की तरफ से नामज़द किए हुए सिविल ऑफिसर्स, ब्यूरोक्रेट्स। और मुस्लिम लीग चाहती थी कि वो मुकम्मल अटोनमी दे लोकल गवर्नमेंट को, जिस तरह से यूके में होता है या अमेरिका में होता है, लेकिन प्रॉब्लम्स बहुत ज़्यादा थे। प्रॉब्लम्स कॉन्स्टिट्यूशनल प्रॉब्लम थे, माइग्रेंट की सेटलमेंट का इशू था, बहुत ज़्यादा महाजरीन आ रहे थे, इंतज़ामी मसाइल थे, ऑफिसर्स नहीं थे, ब्यूरोक्रेसी नहीं थी, रिसोर्स नहीं थे हमारे पास, तो इन तमाम ने प्रॉब्लम्स ने मिल के जमहूरी जो लोकल गवर्नमेंट का निज़ाम है, जो डिसेंट्रलाइजेशन का मैनिफेस्टेड होता है, वो उसको स्ट्रेंथन नहीं होने दिया इस पीरियड के दौरान 1947 से 1955 तक। इसके बाद 1956 से 1958 तक का पीरियड आता है। 1956 में अडल्ट फ्रेंचाइज दिया गया, यानी वोट का हक दिया गया, और लोकल ऑफिसर ऑफिस बियरर्स यानी लोगों को मौका दिया गया कि वो खुद को इलेक्ट करवाएं, ख़ास तौर पे बंगाल और पंजाब में। जबकि 57 से लेके 58 तक जो था, म्यूनसिपल काउंसिल्स जो थीं वो वेस्ट पाकिस्तान में थी, वो एडमिनिस्ट्रेटर्स के ज़रिए से चलाई जा रही थी, यानी वहाँ इलेक्टेड नुमाइंदे नहीं थे बल्कि वो हुकूमत के नामज़द करदा मुंतज़िम थे, और इस दौरान में कोई इलेक्शन भी मुनक्किद नहीं किया गया। और सिस्टम जो था वो उसमें वोटर वो कम तादाद थी उनकी, लिमिटेड फ्रेंचाइज एंड पे लिखा हुआ है, और माल प्रैक्टिस यानी इंतखाबात में धांधली करने का एक ट्रेंड नज़र आता है इस ईरा के दौरान 56 से 58 में। तो नेक्स्ट चलते हैं जी, 1958 से लेकर 1969 के दरमियान में का जो अरसा है ये है जनरल यूब खान का। जनरल यूब खान ने
बीडी सिस्टम मुतारिफ करवाया, जिसे बेसिक डेमोक्रेसीज और या फर्स्ट फॉर्म ऑफ वेव ऑफ लोकल गवर्नमेंट रिफॉर्म्स कहा जा सकता है। ये कंट्रोल डेमोक्रेसी थी, यानी हुकूमत के कंट्रोल में थी, और इसमें लोकल गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन वर क्रिएटेड रूरल एंड अर्बन एरियाज थ्रू सेपरेट लेजिस्लेशन। तो इसके लिए कानून साजी की गई अलग अलग अर्बन एरिया के लिए भी और रूरल एरिया के लिए भी। दूसरी स्लाइड पे लिखा हुआ है बेसिक डेमोक्रेसी ऑर्डिनेंस 1959, द म्यूनसिपल एडमिनिस्ट्रेशन ऑर्डिनेंस 1960। ये दो ऑर्डिनेंस थे जिनके तहत रूरल अर्बन हवाले से लेजिस्लेशन की गई और काउंसल्स बनाई गई। वो काउंसल्स जो थी जो प्रोविंशियल और नेशनल असम्बलीज यानी सूबाई और कौमी असम्बली में लोगों को भी इलेक्ट करती थी, इनकी तादाद 40,000 थी। ये इलेक्टोरल कॉलेज भी था, प्रेसिडेंट का भी इंतखाब ये करता था। ईस्ट और वेस्ट पाकिस्तान में 40,000 ईस्ट पाकिस्तान से रिप्रेजेंटेटिव थे बेसिक डेमोक्रेसी के और 40,000 वेस्ट पाकिस्तान से थे। तो ये दाईं तरफ जो स्लाइड है इसमें स्ट्रक्चर है लोकल गवर्नमेंट का, वो कैसा था, जिसमें टाउन, तहसील, डिस्ट्रिक्ट काउंसल्स और डिविजनल काउंसल्स, और डिस्ट्रिक्ट काउंसिल में कैंट म्यूनसिपल कमेटीज़ आती थी और कैंट में यूनियन कमेटीज़ आती थी। इसी तरह से म्यूनसिपल कमेटीज़ में भी यूनियन कमेटीज़ आती थी जो आजकल यूनियन काउंसिल कहलाती हैं। तहसील काउंसिल्स में टाउन कमेटी और यूनियन काउंसिल्स होती थी। अब आते हैं हम भुट्टो के सिस्टम ऑफ लोकल गवर्नमेंट की तरफ। भुट्टो ने जो पहले से मौजूद लोकल बॉडीज थी उनको डिज़ोल्व कर दिया और हुकूमत की तरफ से नामजद ऑफिसर्स को एडमिनिस्ट्रेटर बना दिया। यही इसी दौरान पाकिस्तान अलग हुआ, मशरकी पाकिस्तान, और बाकी हमारे पास सूबे जो बचे वो पंजाब, सिंध, बलूचिस्तान और नॉर्थ वेस्ट प्रोविंसेस, फ्रंटियर प्रोविंस जिसे आजकल खैबर पख्तूनख्वा हम कहते हैं। और 1973 के आइन के मुताबिक लोकल गवर्नमेंट जो है वो एक प्रोविंशियल सब्जेक्ट है, यानी सूबों को इस पर कानून साजी का इख्तियार है। लिहाजा तमाम सूबों ने 1979 में अपने अपने लोकल गवर्नमेंट लेजिस्लेशन की और अपने तरीके से उसको देखा। भुट्टो ने जो स्ट्रक्चर दिया वो पीपल्स लोकल गवर्नमेंट सिस्टम था। इसमें जो सिक्स इंस्टीट्यूशन सामने आते हैं, डिस्ट्रिक्ट काउंसिल, हल्का काउंसिल, देही काउंसिल, म्यूनसिपल कॉरपोरेशन, म्यूनसिपल कमेटी वगैरह आते हैं, और भुट्टो ने माइनॉरिटीज़, वुमन, पीजेंट्स इनको भी नुमाइंदगी दी। बहरहाल अगर आखिरी लाइन देखें, बट फ़ायदा तो कुछ नहीं हुआ, सब ऑन पेपर्स था। इलेक्शंस कभी भी नहीं हुए भुट्टो के दौर में लोकल बॉडी के, हालांकि ये एक जमहूरी हुकूमत थी और जमहूरी हुकूमत जो है उस पर जिम्मेदारी ज़्यादा होती है कि वो पावर को लोकल सतह पर डिसेंट्रलाइज करे और लोकल गवर्नमेंट तक शिफ्ट करे उसको। अब आते हैं जी ज़ियाउल हक का पीरियड। जैड ए भुट्टो के बाद ज़ियाउल हक ने इक्तदार संभाला, तो ये सेकंड वेव ऑफ लोकल गवर्नमेंट रिफॉर्म्स थी जो ये ज़ियाउल हक साहब ने पेश की। इससे पहले फर्स्ट वेव जो थी वो अयूब खान ने पेश की। कहा जाता है कि ज़ियाउल हक का ये निज़ाम जो था लोकल गवर्नमेंट का, दैट वाज ए मोस्ट रिप्रेजेंटेटिव ऑफ नेचर। आज़ादी के बाद से ये सबसे ज़्यादा नुमाइंदा सिस्टम था लोकल गवर्नमेंट का, और पहली दफ़ा ऐसा हुआ है कि लोकल गवर्नमेंट के तमाम काउंसिल्स के इलेक्शन हुए। तो हम कह सकते हैं कि ज़ियाउल हक ने रिवाइटलाइज़ किया लोकल गवर्नमेंट को। पाकिस्तान जो था वो तकसीम था फेडरल एरिया में, उसको तकसीम के नॉर्दर्न एरियाज, आज़ाद कश्मीर, और 79 में मज़ीद कवानीन बनाए और उन्हें लोकल सरकमस्टांसिस के साथ भी एडजस्ट किया गया। जो फीचर थे थे लोकल गवर्नमेंट के, वो भी इस तरह से थे कि उसने भी रूरल और अर्बन डिवाइड को मेंटेन रखा और आज़ाद सूबाई इलेक्शन अथॉरिटी के तहत इलेक्शन करवाए, और तमाम जो तबकात थे उनको मुनासिब नुमाइंदगी, इक्वल नुमाइंदगी देने की कोशिश की 1973 के कॉन्स्टिट्यूशन के मुताबिक, जिसमें पीजेंट्स भी आते हैं, वर्कर भी आते हैं, वुमन भी आती हैं, माइनॉरिटीज़ भी आती हैं।
इनकी यूनिफाइड एंड हार्मोनाइज्ड रिप्रेजेंटेशन करने की कोशिश की, और जो इलेक्शन लोकल सतह पे करवाए वो पार्टी की बुनियाद पर नहीं थे। आपको पता है जमहूरियत में पार्टियाँ होती हैं, एक हिजब इकतदार होती है, हिजब इख्तलाफ होती हैं, और उसमें जो पॉलिटिकल पार्टीज़ होती हैं वो रायामा को हमवार करके वोट डलवाती हैं। लेकिन लोकल बॉडी के इलेक्शन में ज़ियाउल हक ने नॉन पार्टी सिस्टम को इंट्रोड्यूस करवाया, उसमें कोई पार्टी नहीं थी, आप पार्टी एफिलिएशन की बुनियाद पर इलेक्शन नहीं लड़ सकते थे। और ये जो लोकल गवर्नमेंट थे इसमें चेयरमैन और मेयर्स होते थे, और अपॉइंटेड मेंबर कोई नहीं था लोकल गवर्नमेंट में, जिस तरह से अयूब खान के दौर में होता था कि डिप्टी कमिश्नर और असिस्टेंट कमिश्नर भी मेंबर होते थे, चेयरमैन भी होते थे लोकल गवर्नमेंट के। बहरहाल ज़ियाउल हक ने बहुत ही अटोनमी दी खुद, यानी सिग्निफिकेंट अटोनमी, कुड अप्रूव देयर ओन बजट एंड टैक्सेशन प्रपोजल। लास्ट जो फिफ्थ टॉप पॉइंट है कि वो अपना बजट भी बना सकते थे और टैक्स के लिए प्रपोजल भी दे सकते थे। अगर हम एनालिसिस करें ज़्यादा दौर का, तो डिवाइडेड रूल बरकरार रखा जो अंग्रेज़ दौर से चलता आ रहा था, और पैरेलल पॉलिटिशियन के पैरेलल कोलैबोरेटिव लोकल लेवल पे पॉलिटिशियन को तैयार किया जो उनके मिलिट्री रिजीम को सपोर्ट करें। ज़्यादा डिसेंट्रलाइजेशन नहीं की, यानी रिसोर्स एलोकेशन में, बजट बनाने में, फाइनेंस में ज़्यादा उन्हें इख्तियार नहीं दिए। प्रोविंशियल कंट्रोल नंबर तीन पे है, प्रोविंशियल कंट्रोल भी उस वक्त मजबूत ही रहा, और बहरहाल इलेक्टेड लोकल रिप्रेजेंटेटिव ज़्यादा बढ़ी, इसमें लोग मुंतखब होके ज़्यादा आए। और पांचवा फीचर था कि नॉन पार्टी बेस्ड, पार्टी नहीं थी और पार्टी एफिलिएशन के बगैर इलेक्शन लड़ना था जैसे आज़ाद उम्मीदवार होते हैं। और लोकल गवर्नमेंट की जितनी अहमियत बढ़ती चली गई तो उसकी अहमियत तो बढ़ गई, लेकिन उतना उसको एम्पावर नहीं किया, ख़ास तौर पे अयूब और ज़िया पीरियड्स में जितनी उनकी अहमियत दी गई है उतना एम्पावरमेंट उनको नहीं दी गई थी। ये कुछ टेबल्स हैं, इसमें हमें पता चलता है कि मिलिट्री रूल में लोकल गवर्नमेंट का सिस्टम के ख़ास फीचर्स क्या थे, और मिलिट्री गवर्नमेंट और पॉलिटिकल गवर्नमेंट सिविलियन गवर्नमेंट में क्या थे, ये सिविलियन गवर्नमेंट पॉलिटिकल गवर्नमेंट और ये सिविलियन गवर्नमेंट के फीचर्स हैं, ये ज़रा देख लीजिए आप। तो ये डिस्कस भी हम कर चुके हैं, अब आते हैं अपने असल टॉपिक की तरफ, वो तो था बैकग्राउंड। वो बैकग्राउंड आपको देना चाहिए जब आप डेवोल्यूशन ऑफ पावर प्लान जनरल परवेज़ मुशर्रफ का बताते हैं। तो डेवोल्यूशन ऑफ पावर प्लान में मुशर्रफ ने 1999 में हुकूमत संभाली, और उसके बाद एक प्रेशर था इंटरनेशनल डोनर्स का, और जो हमें पैसे देते हैं लोग फंड्स देते हैं जैसे वर्ल्ड बैंक हो गया, IMF हो गया, तो उनका उन्होंने हमें प्रेशर डाला कि आप डेवोल्यूशन करें, डेवोल्यूशन पावर करें, डिसेंट्रलाइजेशन करें। और उनका जो मकसद होता है वो स्ट्रक्चरल एडजस्टमेंट होती है। स्ट्रक्चरल एडजस्टमेंट प्रोग्राम के तहत इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड ने 1980 से 1990 तक प्रेशर डाला, और ग्रास रूट लेवल डेमोक्रेसी के लिए वर्ल्ड बैंक ने 1996 से 1998 तक। पर्पज़ क्या होता है? पर्पज़ उसका ये होता है कि वेस्टर्न डोमिनेंट इकोनॉमिक मॉडल चल रहा है इस वक्त दुनिया में, वो चाहते हैं कि मार्केट बेस्ड डिसेंट्रलाइजेशन हो, और ये डेवलपिंग कंट्रीज़ में होती है डिसेंट्रलाइजेशन, इसे हम स्ट्रक्चर एडजस्टमेंट प्रोग्राम कहते हैं। इस पर फिर कभी अगली वीडियो में बात करूँगा। जनरल मुशर्रफ ने जब इक्तदार संभाला तो उसने स्ट्रक्चरल एडजस्टमेंट प्रोग्राम की बुनियाद पर बहुत ज़्यादा इकदाम किए, और लोकल गवर्नमेंट ये जो जब मुशर्रफ का दौर था ये लोकल गवर्नमेंट का ये एक टर्निंग पॉइंट था, और इसमें बहुत डिसेंट्रलाइजेशन हुई इदारों की तरफ, लोकल गवर्नमेंट की तरफ। अब आते हैं, थोड़ा मुवाजना करते हैं बिफोर डेवोल्यूशन ऑफ पावर प्लान और आफ्टर डेवोल्यूशन ऑफ पावर प्लान। पहले मरकज़ और सूबों का कंट्रोल ज़्यादा था, ब्यूरोक्रेसी का कंट्रोल था,
और डी कंसेंट्रेशन होती हुई थी, डिसेंट्रलाइजेशन नहीं हुई थी। डी कंसेंट्रेशन का मतलब ये होता है कि इख्तियारात की बहुत कम हद तक निचली सतह पर मुंतकिली, जबकि डेवोल्यूशन ऑफ पावर प्लान ने सबसे पहले तो नेशनल रिकंस्ट्रक्शन ब्यूरो की तश्कील की। एक थिंक टैंक था जो सर्विस डिलीवरी के हवाले से उसको बेहतर करने, उसको इख्तियारात निचली सतह पर मुंतकिल करने के लिए बनाया गया कि किस तरह से इस मैकेनिज़्म को इंट्रोड्यूस किया जाए। और NRB ने डेवोल्यूशन ऑफ पावर प्लान 2001 में इंट्रोड्यूस करवाया। ये थर्ड वेव है डिसेंट्रलाइजेशन की, पहली थी अयूब खान के दौर में, दूसरे ज़ियाउलहक के दौर में और तीसरी जनरल परवेज मुशर्रफ के दौर में हुई। द डेवोल्यूशन ऑफ पावर प्लान वाज रेडिकल डिपार्चर एज इट वाज बेस्ड ऑन द कंसेप्ट ऑफ सब्सिडियरिटी। ये बड़ा असूल था ज़बरदस्त के सब्सिडियरिटी का असूल था। ये एक शिफ्ट था बहुत बड़ा जो अब तक पावर शिफ्ट आया है डिसेंट्रलाइजेशन के हवाले से। तो ये इसमें डिस्ट्रिक्ट और लोअर लेवल पर पावर को ट्रांसफ़र किया गया, जबकि DOPP से पहले सब्सिडियरिटी का जो प्रिंसिपल था ये डेवलपमेंट की डिस्कशंस में तो आता था लेकिन इसको इस्तेमाल नहीं किया जाता था। तो DOPP के दो बुनियादी एलिमेंट थे, डिसेंट्रलाइजेशन, इलेक्टोरल रिफॉर्म्स इन सिविल सर्विसेज एंड पुलिस। तो ये पहले अब जिक्र हो चुका है कि ये एक मुकम्मल रिफॉर्म का पैकेज था, ना कि सिर्फ एक डिसेंट्रलाइजेशन। तो इसका स्कोप ज़्यादा वसी था। न्यू फीचर्स इसमें इलेक्टोरल रिफॉर्म्स आते हैं, जेंडर यानी औरतों की रिप्रेजेंटेशन के हवाले से भी आते हैं, जर्नल भी हैं, फाइनेंस के हवाले से भी हैं और पुलिस के हवाले से, कम्युनिटी डेवलपमेंट के हवाले से आती हैं। ये समझने की बात यह है कि ये एग्री एप्लीकेशन ऑफ सब्सिडियरिटी ये क्या था। डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट वो इसमें अपर टीयर था और इसकी ज़िम्मेदारियाँ थीं कि वो ज़रात, सेहत, तालीम, कम्युनिटी डेवलपमेंट, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी और रेवेन्यू ट्रांसफ़र, फंड्स ट्रांसफ़र्स, लोकल टैक्सेस के इकट्ठा करने की ज़िम्मेदारी इसके पास थी। तो ये काफ़ी वसी इख्तियार थे जो ज़िम्मेदारियाँ थी लोकल डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट को दे दी गई अपर टीयर को, जबकि टाउन ताल्लुका ये मिडिल टीयर था। और ये जो टीयर था ये इसका फंक्शन ये था जैसा पहले म्यूनसिपल अथॉरिटीज़ का होता था, और ये सर्विस मेन प्रोवाइडर ऑफ एसेंशियल सर्विसेज, जैसे ये बुनियादी जो ज़रूरियात हैं कम्युनिटी की उसके उसको फराहम करते थे, जैसे पानी हो गया, सैनिटेशन हो गया, रोड्स की तामीर हो गई और वेस्ट डिस्पोजल हो गया। इसी तरह से थर्ड टीयर जो था लोएस्ट टीयर यूनियन काउंसिल आता है। तो यूनियन काउंसिल में सर्विस डिलीवरी के साथ साथ छोटे छोटे डेवलपमेंट के काम भी होते हैं, और यूनियन काउंसिल रिसीव्ड फंड्स डायरेक्टली फ्रॉम द डिस्ट्रिक्ट, डिस्ट्रिक्ट से ये फंड्स लेती है एंड कलेक्टेड सम लोकल टैक्सेस, और कुछ लोकल टैक्स भी यूनियन काउंसिल लेती हैं। तो इसको हम एप्लीकेशन ऑफ सब्सिडियरिटी कह सकते हैं। एक और फीचर था डेवोल्यूशन ऑफ पावर प्लान का कि ब्रिटिश दौर में जो रूरल और अर्बन डिवाइड बनाई गई थी उसको ख़त्म कर दिया। ये ब्रिटिश दौर में थी। अर्बन लोकल काउंसिल्स वर एस्टेब्लिश टू प्रोवाइड एसेंशियल म्यूनसिपल सर्विसेज। तो बरतानिया तो अर्बन जो थे काउंसिल, लोकल काउंसिल्स, वो बुनियादी सर्विसेज के लिए बनाई, और रूरल काउंसिल्स में ये सर्विसेज जो थी बुनियादी उनको ज़्यादा बाख्तियार नहीं किया गया था। मकसद ये नहीं था कि लोगों को सर्विसेज फराहम की जाएं लोकल सतह पर, ख़ास तौर पे देहाती इलाके में, बल्कि वहाँ की जो लोकल एलीट थी उसको मजबूत करना था, उसके ज़रिए से अपने इकतदार को मजबूत करना था। तो ये वो सिस्टम था रूरल अर्बन डिवाइड का जो अंग्रेज़ दौर से चलता आ रहा था, और ये एक आबादियाती निज़ाम के मुताबिक सिस्टम था। DOPP ने इसको एबॉलिश कर दिया, इसको ख़त्म कर दिया, और इसमें फिर एक और रिफॉर्म्स की ब्यूरोक्रेसी में। पहले मजिस्ट्रेट और अमन अमान के लिए और डिप्टी कमिश्नर के ज़रिए से लोकल गवर्नमेंट के इदारों को अंग्रेज़ ने
कंट्रोल किया। तो हम कह सकते हैं कि इनके पास बहुत ज़्यादा अख्तियार थे, तो ओवर सेंट्रलाइज्ड ब्यूरोक्रेसी थी ये। तो इसके अब उसको इन्होंने इस जो तब्दीलियां की DOPP में, वो ये थी कि जो डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेशन ऑफिसर था, DCO, DC, उसको DCO बना दिया गया, डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेशन ऑफिसर। और वो जो था वो इलेक्टेड मेयर को जवाबदेह था इंतज़ामी हवाले से। इसी तरह से पुलिस का जो सरबराह होता है ज़िले में, वो डिस्ट्रिक्ट में वो सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस होता है, SP, उसको भी मेयर के सामने रिस्पॉन्सिबल बना दिया गया। सिटीज़न कम्युनिटी बोर्ड्स बनाए गए। पहले जो था प्लानिंग जो होती थी वो सेंट्रलाइज थी, मरकज़ और सूबों की सतह पर मंसूबे बन के आते थे, और डेवलपमेंट के फंड्स जो डिस्ट्रीब्यूट किए जाते थे वो सूबों को किए जाते थे, और सूबाई जो सियासतदान थे वो नीचे लोकल गवर्नमेंट को देते थे जो भी मंसूबा बनाया जाता था। नंबर 3, आइडेंटिफिकेशन, अप्रेजल एंड अप्रूवल ऑफ डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स। तो ये जो होते थे मंसूबे बनते थे, उनकी जो आइडेंटिफिकेशन होती थी कि कौन सा प्रोजेक्ट बनाना है और अप्रूवल किसने देनी है, तो ये सूबाई सतह पर ही हो जाता था। फिर लेकिन इसमें होता ये था कि लोकल जो रियलिटीज़ होती थी उसके साथ इसका कोई ताल्लुक नहीं होता था, लोकल प्रायोरिटीज़। तो ये डेवोल्यूशन ऑफ पावर प्लान से पहले होता था। कम्युनिटी पार्टिसिपेशन नहीं थी, पॉलिटिशियन जो होते थे वो अपनी मर्जी से फंड्स जो हैं लोकल सतह पर डिलीवर करते थे। अपोजिशन का बंदा है तो नहीं देना, उसके इलाके में काम नहीं करवाना, और अपना अपनी पार्टी का बंदा है, अपना लॉयल है तो उसको फंड्स देने हैं। इस तरह से अनईवन डेवलपमेंट होती थी, लेकिन डेवोल्यूशन ऑफ पावर प्लान ने इन तमाम चीज़ों को हार्मोनाइज करने की कोशिश की, बैलेंस करने की कोशिश की। उसमें कम्युनिटी डेवलपमेंट भी शामिल थी, लोगों को में अवेयरनेस पैदा करना, लोगों को शामिल करना, सर्विस डिलीवरी को बेहतर करना, और लोगों में रज़ा कराना, और सेल्फ हेल्प के तौर पर कम्युनिटी के लिए सर्विसेज अंजाम देने का शऊर बेदार करना, उनको साथ शामिल करना, और लोगों में एक ओनरशिप देना कि ये आपके मसाइल हैं, ये आप ही ने हल करने हैं, हुकूमत इसको आकर यहाँ हल नहीं कर सकते सारे मसाइल को। और लोगों को अनेबल करने के लिए, उनकी पार्टिसिपेशन को बढ़ाने के लिए डेवलपमेंटल एक्टिविटीज़ में उनको शामिल किया गया। बजट प्लस एंड एम ईयर मार्क बजट दैट कुड बी कैरिड ओवर फॉर फ्रॉम ईयर्स टू ईयर। और बजट दिया गया ख़ास तौर पे ट्रांसपेरेंसी यानी शफाफियत और अकाउंटेबिलिटी, एहतसाब का भी अमल साथ रखा गया कि जो भी प्रोजेक्ट बने, जो भी काम हो डेवलपमेंट का, वो ट्रांसपेरेंट हो, और अगर करप्शन होती है तो उसकी अकाउंटेबिलिटी भी होगी। कम्युनिटीज़ को जो कि वो बेनिफिशरी होते हैं सर्विस डिलीवरी के, उन्हें पार्टिसिपेट किया करवाया गया, उनकी पार्टिसिपेशन को इंश्योर किया गया। सिटीज़न कम्युनिटी बोर्ड्स बनाए गए, CCBs इन्हें कहा जाता है। तो ये हम पीछे पढ़ रहे हैं, उसकी ये समरी है जो पिछले पीछे डिटेल में है, पिछली स्लाइड स्लाइड नंबर 24 जो है ना उसमें डिटेल है, यहाँ मैंने उसके सिर्फ बुलेट पॉइंट्स बनाए हैं। लोकल गवर्नमेंट, ऑर्गेनाइज्ड लोकल गवर्नमेंट। तो लोकल गवर्नमेंट की एसोसिएशंस नहीं होती थी पहले, पाकिस्तान में थी था ही नहीं ये तसव्वुर। ये जो एसोसिएशन होती हैं ये लोगों को अवेयर करती हैं, और उनमें उनको उनमें यूनिटी पैदा करती हैं, कॉमन पर्पस पैदा करती हैं, ताकि वो अपने मसाइल को हल करने के लिए खुद आगे बढ़ें। और लोकल गवर्नमेंट एसोसिएशंस जो होती हैं वो मोबिलाइज़ करती हैं पब्लिक सपोर्ट को, और सिविल सोसाइटी को इंगेज करती हैं। इससे फिर लोकल गवर्नमेंट का निज़ाम बेहतर होता है, और इलेक्शन के लिए भी लोगों में एक एयर बनाई जाती है, इलेक्शन के लिए एक अर्ज बनाई जाती है कि इलेक्शन होते चले जाएं। तो लोकल गवर्नमेंट एसोसिएशंस के ना होने की वजह से लोकल लोग एम्पावरमेंट महसूस नहीं करते, और वो इकट्ठे नहीं होते, और वो अपने प्रॉब्लम्स को ओन नहीं करते। डेवोल्यूशन ऑफ पावर प्लान में लोकल काउंसिल एसोसिएशन पंजाब की बुनियाद रखी गई, और इसे हम LCAP कहते हैं। 2007 में रखी गई इसकी बुनियाद, और ये एक लीडिंग ऑर्गेनाइजेशन थी, लीडिंग नेशनल ऑर्गेनाइजेशन नॉट ओनली इन द
लॉबिंग ऑफ प्रोविंशियल एंड नेशनल गवर्नमेंट्स बट आल्सो इन पेविंग द वे फॉर लाउडर वॉइस फॉर लोकल डेमोक्रेसी अक्रॉस द होल कंट्री। तो ये डेमोक्रेसी के लिए मरकजी सूबाई और लोकल सतह पर आवाज़ बुलंद करती थी और इसका पूरा एक स्ट्रक्चर था सूबों में भी। और इसके बाद न्यू लोकल गवर्नमेंट एसोसिएशंस बनाई गई तमाम सूबों में, जैसे सिंध हो गया, बलूचिस्तान हो गया, शुमाल मगरबी सरहदी सूबा जिसे खैबर पख्तूनख्वा कहते हैं, और नेशनल लोकल गवर्नमेंट एसोसिएशन को भी 2009 में लॉन्च कर दिया गया। ये तमाम जो इकदाम थे डेवोल्यूशन ऑफ पावर प्लान के, इसका मकसद क्या था, तो सोशल डायमेंशन क्या थी इसकी। पहली बात तो ये है कि फर्स्ट एंड द फॉरमोस्ट द वोटिंग एज वाज रिड्यूस्ड। तो पहले वोटर की उम्र 21 साल थी, उसे 18 साल कर दी गई। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन को इंट्रोड्यूस करवाया गया कि जो भी इलेक्शन में आएगा उसकी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन होनी चाहिए। और इसी तरह से नौजवान लीडरशिप सामने आई, ज़्यादातर जो थे 25% जो थे वो 46 से 50 के दरमियान में थे और 41 से 45 के दरमियान 90% थे, और बाकी सारे जो थे वो नौजवान थे जो उनको मौका मिला आने का। नए सियासतदान बन के आए लोग, बिल्कुल जिन्होंने पहले कभी भी इलेक्शन नहीं लड़ा था, वो नाजिम और नायब नाजिम के लिए आए। औरतों को बहुत ज़्यादा हिस्सा दिया गया, पहले उनका 5% सीटें होती थी इलेक्शन लोकल बॉडीज़ में, अब उनकी सीटें जो है ना 33% कर दी गई। ये बहुत बड़ा इकदाम था जेंडर इक्वालिटी के हवाले से, जेंडर के हवाले से जनरल परवेज मुशर्रफ के इस DOPP का। ये है जी एजुकेशन क्या थी, कि कितने लोग जो थे नाजिम जो थे उनकी एजुकेशन क्या थी। जिन्होंने एफ़ए किया हुआ था वो 48 थे, परसेंटेज 9.7। इसी तरह से बीए 45.5% थी, बीए से ज़्यादा जो थे वो 30% लोग थे। तो ये एजुकेशन का सिस्टम इंट्रोड्यूस करवा के कोशिश की गई कि जो मुंतखब नुमाइंदे हैं वो तालीम याफ्ता हों, अनपढ़ जाहिल ना हों। कंक्लूजन, पाकिस्तान ऑफर्स द मोस्ट डिटेल्ड एग्जांपल ऑफ अ प्रोसेस ऑफ डिसेंट्रलाइजेशन दैट हैज़ ओनली पार्शियली अचीव इट्स ऑब्जेक्टिव्स। तो जितनी भी डिसेंट्रलाइजेशन हुई, फर्स्ट वेव, सेकंड वेव, थर्ड वेव, ये डेमोक्रेटिक इराज में तो जो हुआ वो पाकिस्तान एज ए होल उसे पार्शियली अचीव किए, ऑब्जेक्टिव्स मकासद महदूद मकासद हमने हासिल किए। कोई भी डिसेंट्रलाइजेशन का प्रोसेस सही तौर पर आगे नहीं बढ़ सकता उस अगर कुछ फैक्टर्स जो हैं वो हों जो इस सिस्टम को डिसफंक्शनल करते हैं। जो फैक्टर पाकिस्तान में थे वो ये थे कि मिलिट्री ने अपनी ब्रांड का ग्रास रूट डेमोक्रेटिक सिस्टम मुतारिफ करवाया, इसी तरह से जमहूरी हुकूमतों ने अवॉइड किया और हुकूमती नुमाइंदों के ज़रिए से ही इसे चलाने की कोशिश की गई। बहरहाल डेवोल्यूशन ऑफ पावर प्लान जो था वो एक बहुत इनकलाबी इकदाम था, क्योंकि इसमें पब्लिक सेक्टर के लिए इलेक्टोरल रिफॉर्म्स भी थी, पुलिस की रिफॉर्म्स भी थी, ब्यूरोक्रेसी की रिफॉर्म्स भी थी, और सोशल चेंज के लिए एफर्ट की थी। एक जो इसका ब्रॉडर ऑब्जेक्टिव था कि लोग जो हैं, लोग में अवेयरनेस आए, वो अपने मसाइल को ख़ुद ओन करें, पार्टिसिपेट करें, प्रोजेक्ट की स्क्रीनिंग करें, ट्रांसपेरेंसी हो, करप्शन के ख़िलाफ़ अकाउंटेबिलिटी हो। तो बुनियादी तौर पर 2001 से 2009 तक इस सिस्टम ने प्रोग्रेस की और एक हमें नज़र आता है इफ़ेक्टिव डिसेंट्रलाइजेशन नज़र आती है, जबकि जमहूरी दौर में डेमोक्रेटिक लोकल गवर्नमेंट में ये इतना सिस्टम साउंड नहीं रहा। और हुआ ये कि जैसे ही पीपल्स पार्टी ने गवर्नमेंट 2008 में संभाली तो उन्होंने फिर वही पुराना तरीका नॉन इलेक्टेड एडमिनिस्ट्रेटर्स के ज़रिए से इसे चलाना शुरू कर दिया। लोकल जो पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं वो अपने मंशूर में तो ज़िक्र करती हैं कि हम इलेक्शन करवाएंगे लोकल बॉडीज़ के और लोकल बॉडी के दायरे को मजबूत करते हैं, लेकिन अमली तौर पे ऐसा नहीं है। हो सकता है कि मुस्तकबिल में ऐसा हो जाए। शुक्रिया।